तो अभी जो है एनिमल मूवी रिलीज हुई उसके साथ साथ सैम बहादुर रिलीज हुई। विकी कौशल के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कहा जा रहा है। हम एनिमल की बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि जो ये अलग ही जोनरा की मूवी है और हमारा जो चैनल है वो अलग ही जोनरा का है। तो हम यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी बात करेंगे जो कि सैम मानेकशॉ के जो है जीवन पर आधारित है, जो कि है सैम बहादुर, जिसमें विकी कौशल जो है सैम मानेकशॉ के जो है किरदार को निभाते हुए आपको दिखेंगे। जो उरी मूवी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और उसके अलावा जो है सरदार उधम में भी जो है उधम सिंह के जो करेक्टर को उसको जो है अच्छे तरह से जो है विकी कौशल के परफॉर्मेंस को अच्छा तरह से जो है लोगों के द्वारा पसंद किया गया था। जहाँ जो है अब उसके बाद जो है सैम बहादुर में उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनका सबसे टफ काम में से एक है ये, तो यहाँ पे जो है उनका रोल अच्छा है, सब कह ही रहे हैं अच्छा भी है करके। लेकिन वही बात है कि कांग्रेस के जो कारनामे इंदिरा गांधी और उनके खानदान के जो कारनामे हैं जो किया धारा है उसको जो है व्हाइट वॉश कर दिया गया, पूरा सफ़ेदा पोत दिया गया एक तरह से आप कहेंगे तो, क्योंकि नेहरू के जो कांड है कश्मीर के मुद्दे को लेकर, इंदिरा गांधी के जो कांड है हिंदू सिख धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर बहुत सारी राजनीति जो की गई थी सत्ता में आने के लिए, किस प्रकार से जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अपने आप को भारत रत्न दिया गया था अपने आप के जीवित रहते अपने अपने शासनकाल के दौरान, तो सोचे कितने बड़े हिपोक्रेसी के उस समय की बात होगी। तो इस प्रकार जो है सैम बहादुर के साथ अर्थात सैम मानेकशॉ के साथ जो अन्याय किए गए थे, उनके पेंशन तक नहीं दी गई थी, 94-93 वर्ष की आयु में जब 2007 में APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति तब उनको जो है कुछ करोड़ रुपये जो है उनके जो पेंशन के रूप में जो बचे थे उसको दिया गया था। उस प्रकार से जो है उनके जो है उनके श्रद्धांजलि देने के लिए भी कांग्रेस का कोई नेता जो है बड़ा नेता पहुंचा भी नहीं था। सोचिए सैम मानेकशॉ जिनको सैम बहादुर कहा जाए, जो 4 दशक तक जो है 5 बड़े युद्ध लड़ते हैं, भारत पाकिस्तान वॉर लड़ते हैं, 1971 में भारत पाकिस्तान में जो युद्ध होता है उसमें वो जो है भारत की ओर से लड़ते हैं। इस प्रकार से सबसे बड़े हाईएस्ट कमांडर के ऑफिसर के पद पर वो रहते हैं, सबसे बड़े जो है सैनिक के पद पर वो रहते हैं। इस प्रकार से भारत के लिए अपने आप के लिए इतना ज़्यादा वो बलिदान करते हैं, इतना ज़्यादा वो जो है कार्यरत रहते हैं, कर्मनिष्ठ रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है कांग्रेस के द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें जो है भारत रत्न तक दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी उनको जो है इस प्रकार से कोई सम्मानित नहीं किया गया है। और ये बात भी छोड़िए, अभी जो है उनकी फिल्म क्यों आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार किस प्रकार के राष्ट्रवादिता को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए जो है आपको ऐसी फिल्में देखने को मिल रही, वरना फिर सैम मानेकशॉ को कौन जानता है, हम खुद नहीं जानते, हम उनके बारे में अभी जान रहे हैं क्योंकि ये फिल्म आ रही है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के बारे में कौन जानता था इससे पहले कश्मीर फाइल्स के पहले। इसी प्रकार से हम भारत में अपने आप में जो घटना हुई है उसी को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें बताया वही जाता है जो कि वो बताना चाहते हैं, अर्थात कांग्रेस के सरकार के राज में जो वो बताना चाहते थे, जिसको दिखाना चाहते थे, केवल उसी को हम सुन पाते थे, उसी को हम देख पाते थे। इसी प्रकार से जो है इस फिल्म में जो है इस प्रकार से कांग्रेस को व्हाइट वॉश कर दिया गया, इस प्रकार से गांधी फैमिली को व्हाइट वॉश कर दिया गया है कि आपको उनकी पूजा करने लग जाओगे भाई साहब, तो मतलब आप सोच सकते हो कि प्रोपेगेंडा फिल्म ही सिद्ध होती है। और सैम मानेकशॉ के जीवन को जो जितना दिखाना चाहिए था उससे ज़्यादा तो ये लोग जो है दूसरे के जीवन पर फोकस करते हैं, इस प्रकार से तो ये मूवी बना रहे हैं। बिल्कुल ही टेक्निकल रूप से वेल मेड फिल्म है, विकी कौशल के परफॉर्मेंस को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन वही बात है कि आप नैरेटिव क्या कहना चाहते हैं, मूवी का जो है बेसिक थीम क्या है, वो जो किस प्रकार के आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, किस प्रकार से जो है उसकी सोच है, किस प्रकार से वो मूवी का जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात होती है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर बात ये नहीं है कि फिल्म में क्या शूटिंग है, क्या कैमरा एंगल, क्या एक्शन सीक्वेंस, क्या वो जो टेक्निकलिटी है, इसकी बात नहीं की जा रही, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी की बात की जा रही है कि फिल्म में जो है किस प्रकार के सोच को लेकर डायरेक्टर साहब जो है अपना मत रख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि आज के युवा समझ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि फिल्मोग्राफी, आइडियोलॉजी, सॉन्ग्स है, एक्शन सीक्वेंस है, लव रोमांस ये सब तो सभी डालते हैं, लेकिन थिंकिंग क्या है, फिल्म फिलोसॉफी क्या है, फिल्म में कहना क्या चाहता है, क्या नैरेटिव सेट करता है, क्या आइडियोलॉजी बताता है, ये सबसे प्रमुख बातें होती है जो कि सैम बहादुर में बिल्कुल ही जो है कांग्रेस के पक्ष को, उनके कारनामों को, उनके जो कांड किए गए हैं, उनके जो दुष्कर्म जो कार्य किए गए उसको जो व्हाइट वॉश करती है, छुपाने का काम करती है। और सैम मानेकशॉ के साथ जो अन्याय हुआ है उसको भी ये जो है उन्हीं की फिल्म में जो है ये लोग छुपा देते हैं, क्योंकि सैम मानेकशॉ की बायोग्राफी है ये, उनके ऊपर ये फिल्म बनी है और उन्हीं के साथ अन्याय किया जा रहा है उन्हीं के फिल्म में। तो सोचिए आप फिल्म मेकर से, बॉलीवुड से क्या उम्मीद कर सकते हैं। विकी कौशल के परफॉर्मेंस को आप अच्छा माने या बुरा माने, आप एनिमल देखें या आप जो है सैम बहादुर देखें, लेकिन बात वही है कि हिस्टोरिकल बेस्ड फिल्म हमारे भारत के हीरो के लिए, हमारे भारत के जो कार्यरत रहने वाले सैम मानेकशॉ जो कि जिन्हें सैम बहादुर कहा जाता है, उनके बारे में फिल्म बनती है जिनके बारे में लोग को पता नहीं है, तो हम यही चाहेंगे कि उनके बारे में जो लोग हैं वो अच्छी छवि को जाने, उनके बारे में जो है लोग उनके साथ अन्याय हुए, न्याय अन्याय जितनी भी बात हो उनको जाने, लेकिन फिल्म मेकर्स क्या करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के चक्कर में जो है व्हाइट वॉश करते हैं, गलत तरीके से इतिहास को दिखाते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या मत है कमेंट्स के जरूर बताइएगा, क्या आपने सैम बहादुर देखी, क्या आप एनिमल देख रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या मत है कमेंट्स के जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।